शर्मा जी का है। मध्य प्रदेश की धरती पर इतिहास रचने वाले चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले जननायक आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का स्वागत है। बोले बाकी लोग दोनों हमारे महामंत्री द्वय से अनुरोध करती हूँ सभी हमारे अतिथिगणों का बारी बारी से स्वागत करें। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का भी स्वागत करें। नरेंद्र भैरम जी, गुड्डा मरकाम जी, आदरणीय हरदीप सिंह जी डंग का स्वागत करें। स्वागत का क्रम चलता रहे, मैं उद्बोधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ संगठन के शिल्पी मध्य प्रदेश के 7000 से ज्यादा बूथों तक संगठन की रचना को सुदृढ़ करने हेतु त्रिदेव की रचना के साथ पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो मेरा बूथ सबसे मजबूत की संकल्पना को साकार करने वाले यशस्वी शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, मैं आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करती हूँ कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की। अरे आज अमित भाई को आसमान में मौसम खराब होने के कारण से लौटना पड़ा, वो रायपुर पहुंच गए हैं लौट करके। आज उन्हें आवाज इस बालाघाट की रायपुर के अंदर सुनाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभा में लोगों से मेरी ओर से ये कहकर के माफी चाहते हुए, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण उनको बालाघाट के बीच में से ही लौट करके रायपुर जाना पड़ा है, तो आज उन्हें आवाज यहां से सुनाई देनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे बालाघाट की इस विशाल जनसभा में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से हम सब लोग अभिनंदन करें। आदरणीय शिवराज जी, मध्य प्रदेश के हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से माननीय नरोत्तम जी का हम अभिनंदन करें। यहां पर उपस्थित केंद्र के मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारी सह प्रभारी वरिष्ठ नेता बहन श्रीमती पंकजा मुंडे जी, यहां के प्रभारी भाई हरदीप सिंह डंग जी, यहां के हमारे मंत्री रामकिशोर कांबरे जी, यहां के हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने बालाघाट के विकास को चार चांद लगाने का काम किया है, ऐसे भाई गौरीशंकर बिसेन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। यहां पर उपस्थित हमारे आदरणीय भोला सिंह जी जो सांसद उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, आदरणीय धन सिंह बिसेन इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सत्यनारायण अग्रवाल जी, संभाग की प्रभारी राज्यसभा की सदस्य बहन कविता पाटीदार जी, आलोक दुबे जी, कल सिंह भामर जी, वैभव पवार जी, अभिलाष पांडे जी, दिनेश मुनमुन जी, राकेश पाल सिंह जी और हमारे इस सभा का संचालन कर रही बहन मौसम बिसेन जी, सुरेंद्र गुड्डा मरकाम जी, नरेंद्र भैरव जी, रमेश रंगलानी जी, लता हेलकर जी, रमेश भट्टेरे जी हमारे पूर्व विधायक, श्रीमती रेखा बिसेन जी, केडी देशमुख जी और उपस्थित हमारे मंच पर सभी वरिष्ठ नेतागण और इस सभा में आज हजारों की संख्या में उपस्थित बालाघाट की जनता जनार्दन और कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज ये सभा भारत के लोकप्रिय गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी हमें संबोधित करने वाले थे। इस सभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष, माननीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में, माननीय प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के इस कार्यकाल में
देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर इस देश के अंदर भारत की राजनीति में एक नया इतिहास रचने का काम किया। और मित्रों, मुझे गर्व है, इन 9 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय जेपी नड्डा जी ने और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास की नई गाथा इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर गढ़ी है। इन 9 वर्षों के अंदर सेवा के भाव के साथ और गुड गवर्नेंस देने का काम, सुशासन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तब कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि हम केंद्र से, दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो दलाल और बिचौलिए 85 पैसे गरीब का खा जाते हैं, केवल 15 पैसे गरीब के खाते तक पहुंचता है। देश का प्रधानमंत्री, कांग्रेस का प्रधानमंत्री ये वक्तव्य देते थे। लेकिन मित्रों, मेरे बहनों और भाइयों, इन 9 वर्षों में जिसके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा इस देश की व्यवस्था को बदलने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज मैं गर्व होता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने भाषण नहीं दिए, माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया इस देश के अंदर दलाल और बिचौलियों की व्यवस्था नहीं चलेगी। अब इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो गरीब के खाते में 99 पैसे नहीं, अब 1 रुपया ही पहुंचेगा। और आज मैं गर्व होता है, माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में शपथ लेने के बाद हर गरीब के खाते जनधन अकाउंट खोलने के बाद 45 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले और आज सुनिश्चित हो गया कि इस मध्य प्रदेश से लेकर के देश के अंदर कोने कोने में अगर 1 रुपया भेजते हैं तब 99 पैसे नहीं, 1 रुपया ही गरीब के खाते में जाता है। मेरी लाडली बहनें बड़ी संख्या में यहां पर बैठी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना में अभी 10 तारीख को 1,000 रुपए मेरी बहनों के खाते में, महिला सशक्तिकरण, समाज के सशक्तिकरण के लिए हर महिला के चेहरे पर खुशी आए अगर 1,000 रुपए उनके खाते में डालाए तो मेरी बहनों और भाइयों 999 नहीं 1,000 ही उसके खाते में गया है। इससे सुशासन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। आज मित्रों, हम लोग देखते हैं इस देश के अंदर हर गरीब के जीवन को कैसे बदला जाए, हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे लाई जाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इस देश के अंदर जो गरीब अंतिम छोर पर गांव में रहता है, बालाघाट के एक कोने पर रहने वाला गरीब जिसने कभी जीवन में कल्पना नहीं की मैं झोपड़ी में रहता हूं, मेरे सर पर छत आएगी, उसका सपना होता है मेरा अपना स्वयं का मकान बना करके मैं भी रह सकता हूं। आजादी के 75 वर्षों में मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 वर्षों में 55 वर्ष तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया है, 55 साल, लेकिन किसी ने उस गरीब की चिंता नहीं की थी। लेकिन जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, गरीब के बेटे ने उस गरीब के दर्द को समझा तो मेरे बहनों और भाइयों आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। ये संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने लिया और प्रधानमंत्री आवास योजना में 3.5 करोड़ परिवारों को मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहां पर बैठे हुए हमारे जो लोग हैं, आदिवासी जनजाति भाई भी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं। इस देश के अंदर कोई गरीब बीमार हो जाता है और गरीब बीमार हो जाए, डॉक्टर उसको कह दे 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए इनके ऑपरेशन के लिए लगेंगे, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों आजादी के 75 वर्षों में अगर गरीब के पास पैसा नहीं है तो किसी ने ये चिंता नहीं की थी कि उस गरीब का इलाज पैसे के अभाव में जो वंचित होगा, तो पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होने वाला गरीब क्या करेगा। वो गरीब सोचता है कि किसी से इधर से उधर से मांगेंगे,
किसी से लेंगे, किसी साहूकार के पास जाएंगे। और ईमानदार और स्वाभिमानी आदमी तो भगवान पर छोड़ देता है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, इस सभा में आज इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में शपथ ली, गरीब का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो हमें गर्व होता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने तय कर दिया, कोई गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। और आज हमें गर्व होता है इस भारत के अंदर कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड भारत योजना में 5 लाख रुपए का हर गरीब को फ्री में इलाज कराने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। एक ऐतिहासिक निर्णय, हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी? तो मित्रों, 2003 का मध्य प्रदेश जो कांग्रेस की सरकार थी, मिस्टर बंटाधार और कांग्रेस के लोगों ने मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो दिया था। सड़क बिजली पानी के लिए लोग लालायित थे। लेकिन आज हमें गर्व होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनती है, तो मध्य प्रदेश के अंदर सड़क बिजली पानी से लेकर हर गरीब के जीवन में मध्य प्रदेश के अंदर खुशी कैसे आएगी? आज हमें गर्व होता है कि सड़कों का जाल, बिजली और पानी की उपलब्धता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव गांव को सड़कों से जोड़ा, सड़कों का जाल बिछाया, मोदी जी ने उस यात्रा को आगे बढ़ाया, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अटल जी ने गांव गांव को सड़कों से जोड़ा, तो माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि हर गांव में कोई गांव और कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहां पर पानी, गांव गांव में घर घर में नल से पानी, हर घर को जल, हर घर को नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम करेंगे। आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में घर घर पानी पहुंचने का अभियान 2024 का संकल्प है। हर घर में पानी पहुंचने के अभियान को माननीय प्रधानमंत्री ने साकार रूप देने का काम किया है। तो मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मेरी बहनों और भाइयों, आज हर व्यक्ति के जीवन में, हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी? आपने देखा किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दी, तो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने 4,000 रुपए पहले दी और अभी कुछ दिनों पूर्व ही 2,000 रुपए और दे करके हर किसान के जीवन में खुशी लाने के लिए 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम किया है।